हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम अपना पॉलिटी लेक्चर 7 देखेंगे, जिसके अंदर वी विल बी लुकिंग एट इश्यूज रिगार्डिंग पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, हमें अगेन ये याद रखिए, जीएस पॉलिटी के अंदर जो आपकी प्लेलिस्ट है, जिसके लिंक्स नीचे डाल दिए जाएंगे, राइट, उसके अंदर जो है मेजर टॉपिक्स कवर्ड हैं, राइट। तो आपने वहाँ पर वीडियोज 30 to 36 जो हैं, राइट, ये आपने वीडियोस देखनी है वहाँ पे, राइट, जो आपकी टीटीएल वाली वीडियोस थी, वो आपने वीडियोस देखनी है बिफोर यू स्टार्ट विद दिस लेक्चर, राइट। सो प्लीज गो वॉच 30 to 36 जीएस पॉलिटी की टीटीएल बैच की सारी वो वीडियोस देखिए, उसमें आपको पूरे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है विद रिगार्डिंग टू लक्ष्मीकांत, ठीक है, जो कि इन टॉपिक से कंसर्नड है, वो समझाई गई है, राइट। उसके साथ साथ ही इन इन वीडियोस के अंदर आपके सेंट्रल लेजिस्लेचर एक्सेट्रा जो है वो कवर्ड है, राइट। साथ ही में इसके अलावा आप फॉर योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यू कैन ऑल्सो लुक एट 53, राइट, टीटीएल पॉलिटी 53 वीडियो एंड 54 वीडियो, राइट। इसके अंदर आपकी पंचायत एंड जो म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा हैं, राइट, दोनों ही कवर्ड है, ठीक है। तो 30, 36 प्लस 53 एंड 54, ये जो है आपने वीडियोज देखनी है बिफोर यू स्टार्ट विद दिस मेंटरशिप की वीडियो, जो विच विल बी कंसर्निंग मोर विद द एनालिटिकल एस्पेक्ट्स एंड प्लस आपको थोड़े क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो प्राइमरी प्रिंसिपल था वो किसका लगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये इस्टैब्लिश की गई दोनों ही सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल पे, ठीक है, दोनों ही जगह पे ये इस्टैब्लिश कर दी गई। सेंटर पे आपकी पार्लियामेंट आई, राइट, एंड आपके स्टेट लेवल पे आए आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, ये इस्टैब्लिश होने के लिए ज़रूरी था कि आपकी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दोनों ही एक्टिवली काम करें, और जो आइडिया है ऑफ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रिप्रेजेंटेटिवनेस, उसको वो ढंग से दिखा पाए, राइट। सो ये ही आइडिया था जिसके लिए ये जो इंस्टीट्यूशन थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। अब ज़रूरी क्यों हो गया था ऐसा एक पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करना, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके, ठीक है, एक और बार बात कर लेते हैं। अब पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बारे में बात करते हैं ऑस्टिन, ठीक है, वो कहते हैं कि यूनिटी जो थी सबसे इंपॉर्टेंट एक हमारा कंसिडरेशन था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, राइट, बिकॉज ये यूनिटी जो थी वो एक कंसिडरिंग द पार्टीशन, कंसिडरिंग हमें प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करने की अभी ज़रूरत पड़ गई थी, राइट, तो इसके कारण क्या हो रहा था, यूनिटी एक प्राइम कंसर्न था कि हमें स्टेट को अपने पूरे यूनियन को इकट्ठे करके रखना है, और इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो फिट सिस्टम बैठता था वो पार्लियामेंट्री था। सेकेंडली, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था बाकी भी और जो इम्पेरेटिव था वो उनको भी अकोमोडेट करता था, चाहे वो फेडरलिज्म हो, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, इन सबको सबके साथ वो फिट बैठ रहा था। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक गारंटी था जिसके थ्रू एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस हो सकती थी सेंटर एज वेल एज स्टेट्स की। अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखेंगे तो बिकॉज दोनों ही इतने ऑटोनॉमसली काम करते हैं, कई बार उनमें एक हार्मनी नहीं रहती है, यहां पे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हार्मोनियस इंटीग्रेशन बिटवीन द टू थ्रू योर पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट। सो इसी के कारण पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था अडॉप्ट किया गया। अब पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स को हम बहुत ब्रीफली देखेंगे क्योंकि इनको ऑलरेडी कवर कर दिया चुका है, ठीक है, ये कवर हो चुके हैं ऑलरेडी इन योर वेरियस लेक्चर्स, ठीक है। अब पार्लियामेंट हमें पता है बाइकैमरल है, दो हाउसेज, इसके लोकसभा और आपका राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा जो पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस है एंड राज्यसभा जो आपका परमानेंट ऑब्वियसली एक हाउस है विच रिप्रेजेंट्स योर स्टेट्स, राइट, ये स्टेट्स को आपके रिप्रेजेंट करता है और स्टेट्स के थ्रू ही ये निकल के आते हैं। और ये जो राज्यसभा है जिसको पहली बार 1952 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, क्या कहते हैं इसको, परमानेंट बॉडी, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती, अनलाइक लोकसभा जो ऑब्वियसली डिसॉल्व की जा सकती है। एंड राज्यसभा में क्या है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, राइट, यू शुड ऑल नो दिस बाय नाउ कि 1/3 जो मेंबर्स है वो एवरी सेकेंड ईयर जो है रिटायर कर जाते हैं, राइट। सो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। अब राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की 250 मेंबर्स है, जिनमें से 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज, 12 मेंबर्स जो है कहां से आते हैं, आपके प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिनको स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है विद लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा, राइट। जो ये रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट के,
वो जो असेंबली में बैठे हैं वो चुनते हैं आपके राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है, अगेन सेम जो उनका सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम और जो कि आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर भी जो है यूज होता है, राइट। वेरी क्विकली, लोकसभा पॉपुलर हाउस है, 550 इसके मैक्सिमम मेंबर्स है, 530 जो है इलेक्टेड है बाय द वोटर्स ऑफ द स्टेट एंड 20 आते हैं आपके यूटी से। जो मेंबर्स है अगेन किससे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से, और कहाँ से आते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि डीमार्केट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट, उनके बेसिस पे जो है ये चुन के आ जाते हैं, राइट। और ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट, इनको एक अगेन जो पूरे स्टेट्स हैं इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होते हैं, ताकि जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एंड जो नंबर ऑफ सीट्स हैं अलॉटेड, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम रहे थ्रू आउट द स्टेट, राइट। तो एक ये थोड़ा इगैलिटेरियनिज्म थोड़ा लाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, राइट। अब फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट अगर देखे जाएं, तो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में सबसे पहले और सबसे जरूरी जो है वो है कि आप कैबिनेट प्रोवाइड करते हैं उनको, यू ऑल्सो होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। अब ये तो पता ही है आप सबको कि आपकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके अंदर योर एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड आउट ऑफ योर लेजिस्लेचर, राइट। तो जो आपकी पार्टी जो मेजोरिटी में होती है वो ही जो है आगे चल के गवर्नमेंट बनाती है, तो इसी में से जो है आपके कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं यहीं से निकल रहे हैं, अनलाइक प्रेजिडेंशियल सिस्टम, राइट, जहाँ पे जो कैबिनेट है, सो कॉल्ड कैबिनेट है, उनकी वो एक्चुअली सेक्रेटरीज हैं, राइट, एंड टेक्निकली दे आरंट इलेक्टेड, राइट, दे आरंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये यहीं से निकल के आए होते हैं। साथ ही साथ में आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉपुलर चेंबर। तो जो कैबिनेट है, राइट, द आइडिया ऑफ सिंकिंग एंड स्विमिंग टुगेदर, दे आर ऑल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हु, द पॉपुलर चेंबर विच इज योर लोकसभा। रिमेंबर योर नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये भी याद होगा कि ये सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राइट। मूविंग ऑन, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर अगेन सबसे एक क्रिटिकल फंक्शन जो माना जाता है डिस्कशन, क्रिटिसिज्म, डिबेट, ठीक है, जिसके थ्रू रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो मेंटेन की जा सकती है, ठीक है। रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब डे बाय डे बेसिस पे यू कैन एक्चुअली क्वेश्चन देम वाया दीज डिबेट्स, वाया द क्वेश्चन आर, सो ऑन सो फोर्थ, एंड होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। साथ ही में फंक्शन एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट का, ये रिपीट हो गया, इट्स द सेम एज अबव, राइट, इज योर लेजिस्लेशन, ठीक है। जो लेजिस्लेशन ये जो इनैक्ट करते हैं, वेरियस लेजिस्लेशन जो बनाते हैं, ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन ये जो है आपके पार्लियामेंट वाले टॉपिक में कवर हो चुका है, ऑर्डिनरी बिल्स फॉर एग्जाम्पल के बारे में हम बताते हैं, 5 स्टेजेस से निकलते हैं, पहली रीडिंग होती है जहां पे वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जहां पे ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, जो किसी भी हाउस, इधर लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, राइट। सेकेंड रीडिंग के अंदर ऑब्वियसली जो बिल है उसको डिटेल स्क्रूटनी मिलती है, एक वो जो फाइनल शेप्स ही होती है उसमें वो आने लग जाता है, राइट। अगेन इसके अंदर फिर एक स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन होती है जहां पे जो कॉपीज है बिल की वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टू वेरियस मेंबर्स, राइट, उसके जो वेरियस निटीग्रिटीज है उनको डिस्कस किया जाता है, राइट। और यहाँ पे ढेर सारी चीजें कर सकते हैं, इधर आप बिल को इमिजिएटली कंसिडरेशन में ले लीजिए, या फिर आप उसको सिलेक्ट कमिटी को कोई रेफर कर दीजिए ना हाउस, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि दोनों हाउसेस की एक जॉइंट कमिटी को उसको भी रेफर कर सकते हैं, या फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए भी पब्लिकली उसको आप दिखा सकते हैं। फिर आपका कमिटी स्टेज आता है कि अगर आपने सिलेक्ट कमिटी को कर दिया है रेफर, राइट, तो आप उसके वो एक स्टेज आता है। देन नेक्स्ट इज योर कंसिडरेशन स्टेज, कि आफ्टर ये सिलेक्ट कमिटी ने पूरे अपने भेज दिए रिकमेंडेशन एक्सेट्रा, राइट, तो उसके प्रोविजंस लेके अब आपके हाउस के सामने आता है एंड उनके ऊपर डिस्कशन एंड वोटिंग होती है क्लॉज बाय क्लॉज, राइट। थर्ड रीडिंग के अंदर ये जो डिबेट है वो सिर्फ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ द बिल एज अ होल पे आ जाती है, कोई और अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं होती हैं, राइट। उसके बाद जब यहाँ पे अप्रूव हो जाता है फिर बिल जाता है आपके सेकेंड हाउस में, एंड अगेन द सेम थिंग इज रिपीटेड अगेन, एंड फाइनली इट गोज टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज असेंट, ठीक है। और सबको ही जैसे पता है अगर ये जो असेंट होता है बाय द प्रेजिडेंट ईदर या तो दोनों हाउसेज ने अलग अलग पास कर दिया या जॉइंट सिटिंग 108 के अंदर हुई और फिर ये ऑर्डिनरी बिल आ गया, तो प्रेसिडेंट के पास अब क्या 3 ऑप्शन है। पहली चीज, या तो आप साइन करके भेज दो बिल, या फिर अपना विदहोल्ड कर लो पॉकेट,
ठीक है, पॉकेट वीटो कर लो या फिर रिटर्न कर दो बिल को फॉर देयर रिकंसिडरेशन. ठीक है, एक बार जब बिल अपना बिल को असेंट मिल गया प्रेसिडेंट का, तो ये जो बिल है एक्ट बन जाता है और जो स्टैट्यूट बुक है उसका हिस्सा हो जाता है. द नेक्स्ट लेजिस्लेशन जो होती है 110 के अंदर जो आती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है, मनी बिल. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये मनी बिल्स. ठीक है, और मनी बिल्स जो है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंट है आपके ऑर्डिनरी बिल से. क्या क्या चीजें को मनी बिल माना जाता है, ये आपकी लक्ष्मी कांड में क्लियरली स्टेटेड है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं. और कौन डिसाइड करता है किसकी फाइनल से होती है, आपके स्पीकर की. एंड इसीलिए स्पीकर का एक थोड़ा रोल भी जो है कॉन्ट्रोवर्शियल बनता जा रहा है, क्योंकि जो डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये फाइनल है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, या फिर इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इवन बाय द प्रेजिडेंट. ठीक है, कोई भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, राइट. अब जो हम मनी बिल है, हम इसमें भी मानते हैं कि फाइनेंशियल बिल्स एक अम्ब्रेला कैटेगरी होती है, इसके अंदर और आते हैं. ठीक है, मनी बिल हो गया 110 के अंदर, फाइनेंशियल बिल्स ऑफ पार्ट वन टाइप, ठीक है, वो 17 में क्लॉज वन हो गया, फाइनेंशियल बिल्स ऑफ द सेकेंड काइंड, ठीक है, वो 3 में हो गए, राइट. सो सो ऑन सो फोर्थ, ये जो चीजें हैं ये सारी जो है डिस्कस की गई हैं. अगेन मनी बिल के विद रिगार्डिंग आप सबको पता है कि ये सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में, राइट. और इसको सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंटली इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर, राइट. साथ ही में किसकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है आपको, प्रेसिडेंट की. ना ही ये अमेंड किया जा सकता है, ना ही रिजेक्ट किया जा सकता है बाय लोकसभा राज्यसभा सॉरी. और राज्यसभा मैक्सिमम क्या कर सकती है कि इसको रिटर्न कर दे बिल को विद और विदाउट रिकमेंडेशन, जो लोकसभा पे डिपेंड करता है कि हमने इसको रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है. एंड ये भी मैक्सिमम पीरियड क्या है आपका, 14 डेज है, राइट. और जब भी ये जाता है तो सर्टिफिकेट देता है आपका स्पीकर के, ये भाई मनी बिल है, राइट. अगेन प्रेसिडेंट को एक असेंट के लिए जाता है आफ्टर इट्स अप्रूव बाय द लोकसभा, राइट. अगेन अगर बाय चांस मनी बिल डिफीट हो जाता है, इट विल लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं, बट ऑब्वियसली इट्स अ साइन ऑफ दैट द गवर्नमेंट्स लॉस्ट इट्स सपोर्ट, राइट. इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड, बट ये प्रेसिडेंट जो है इसको रिटर्न नहीं कर सकते फॉर रिकंसिडरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, राइट. चलिए नेक्स्ट क्या पावर है, नेक्स्ट पावर जो थी वो है ऑथराइजिंग एक्सपेंडिचर. ऑथराइज करना एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक सर्विसेज और स्पेसिफाई करना कि किस पर्पस के लिए जो मनी है अप्रोप्रिएट किए जा रहा है, किस तरह से आपने रेवेन्यू रेज करना है, किस तरह से टैक्सेस लगाने और बाकी इम्पोजिशंस होनी है. ठीक है, तो ये जो बजट है जो पार्लियामेंट में, अगेन ठीक है, तो आपकी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि आर्टिकल 112 के अंदर आती है, ये ऑब्वियसली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट. इसके अंदर आप जो आप अब दो तरह के एक्सपेंडिचर्स है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा. ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, राइट, जो कि चार्ज किए जाते हैं एंड एक्सपेंडिचर जो किया मेड होता है ऑन योर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट. सो अगेन इनको पढ़ना एक बार जरूरी है, ये आपके पुराने उसके अंदर भी जो है कवर किए गए हैं, राइट. सो रीड अबाउट योर वेरियस फंड्स. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आपका 266 में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 में है, एंड फिर लास्टली है आपका कॉन्टिजेंसी फंड जो कि 267 में है, राइट. और यही जो फाइनेंशियल पावर्स और फंक्शंस है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ बजट नहीं है, बट ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल ओवरसाइट है, राइट. बजटरी कंट्रोल तो है ही है, बट एक पोस्ट बजटरी कंट्रोल भी होता है आपकी फाइनेंशियल कमिटीज द्वारा. और ये फाइनेंशियल कमिटीज जो आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज का भी जो है एक और पूरा एक वीडियो जो है वो बना हुआ है, जिसको आप देख सकते हो, जिसमें ये जो कमिटीज हैं they've been discussed in great detail. ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे बढ़े. अब हर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसका एक रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है, स्पीकर होता है जो कि आपके लोकसभा में होता है, राइट. और ये जो हाउस है एज सून एज उसकी जो पहली मीटिंग खत्म होती है, तब वो दो लोग जो है उनको एक स्पीकर एक डेप्यूटी स्पीकर जो है चुन लेता है. ठीक है, और जो स्पीकर है अगेन उसके पास वोटिंग पावर नहीं होती, सिर्फ कास्टिंग वोट डाल सकता है व्हेन इक्वालिटी ऑफ वोट्स होती है. जब ऑफिस ऑफ स्पीकर वेकेंट होता है तब जो और या फिर स्पीकर एब्सेंट होता है तब डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स, राइट. यू कैन ऑल गो थ्रू दिस, अगेन लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. सो दीज आर नॉर्मल थिंग्स दैट यू कैन कवर. जो चेयरमैन है राज्यसभा का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो ऑफ द राज्यसभा, दैट इज योर चेयरमैन, विच इज ऑब्वियसली योर द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द हाउस. ठीक है, और जो हाउस है ये इलेक्ट करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन अपने मेंबर्स में से, राइट.
टू बी द वाइस चेयरमैन, ये रिजाइन कर सकते हैं अपने बाय टेंडरिंग द रेजिग्नेशन टू द चेयरमैन हु इज द वाइस प्रेसिडेंट. जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज चेयरमैन की जब वो जो ऑफिस है वेकेंट हो या वो एब्सेंट हो, राइट. स्टेट लेजिस्लेचर की अब अगर बात करें, अगेन स्टेट लेजिस्लेचर का जो कॉम्पोजिशन है यूनिफॉर्म है. हाउ एवर कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्टिंक्शन भी बनाई है स्मॉल एंड बिग स्टेट्स में, ठीक है. लेजिस्लेचर हर स्टेट का ऑब्वियसली गवर्नर आता है एंड कई स्टेट्स में दो हाउसेस होते हैं, कई लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वेयर एज इन द अदर्स देयर इज ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, इसका जो साइज है वेरी करता रहता है. जो मेंबरशिप है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से ऊपर नहीं हो सकती, बट नॉट लेस देन 40, राइट, ताकि वो आपके असेंबली को ओवरपावर ना करें. साथ ही में पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड बॉडी होती है, ठीक है. तो इसके कहाँ से बनते हैं कॉम्पोजिशन, 1/3 जो है टोटल मेंबर्स वो इलेक्टेड होते हैं बाय द इलेक्टोरेट जो कि मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडी से हैं सच एज म्यूनिसिपैलिटीज. 1/12 जो है वो इलेक्टेड होते हैं बाय इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ हु ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग रिजाइडिंग इन दैट स्टेट. 1/12 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं जो इलेक्टोरेट है जो कि हु हैव बीन एंगेज्ड फॉर एटलीस्ट 3 years किसमें टीच करते हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में विद इन द स्टेट, लेकिन सेकेंडरी स्कूल से नीचे के टीचर नहीं होने चाहिए, ठीक है. 1/3 जो है इलेक्टेड होते हैं बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट. एंड लास्टली जितने बाकी बचे दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, अगेन जिनके स्पेशल नॉलेज है फ्रॉम लिटरेचर साइंस आर्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज. लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अगेन उसमें कंपोज की जाती है और मेंबर्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन. सो जिस तरह से आपकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उसी तरह से आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाती है. ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ मेंबर्स है दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, राइट. सो अगेन यहाँ कंसिडरेशन दी गई है तो कि जो टोटल मेंबर्स हैं 500 से ऊपर नहीं होंगे और लेस देन 60 नहीं होंगे, ठीक है. बट जो असेंबलीज इन मिजोरम एंड गोवा है उसमें सिर्फ 40 मेंबर्स जो हैं होते हैं. अब लेजिस्लेटिव असेंबली में अगेन लोकसभा जैसे ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है, काउंसिल में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं. जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है स्टेट में वो सिमिलरली ही चलता है जैसे कि हमने देखा है पार्लियामेंट में, एक्सेप्ट फॉर सर्टन थिंग्स. अब मनी बिल की अगर बात की जाए पोजीशन सेम है, बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास जीरो पावर है, वो रिकमेंडेशंस भी नहीं बना सकती फॉर द असेंबली, ठीक है, या वो विदहोल्ड भी नहीं कर सकती फॉर 14 days, ठीक है. इन एनी केस वैसे भी असेंबली की बिल जो है वही प्रिवेल होती है. अब जो ऑर्डिनरी बिल्स की भी बात हो वहां पे भी जो काउंसिल की पावर है बहुत ही कम है. ज्यादा ज्यादा क्या कर सकती है, डिले ला सकती है इन द पैसेज ऑफ बिल फॉर व्हाट 3 months. उससे ऊपर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई पावर नहीं है. बेसिकली ये एक एडवाइजरी ही चैम्बर है और काफी एक रिडंडेंट बॉडी मानी जाती है जहां पे जो लोग इलेक्ट नहीं आ रहे हैं या पॉलिटिशियंस जो पहले होते थे स्टेट में रेलेवेंट अब नहीं है उनको एक बिठाने का मौका मिल जाता है, राइट. अब इंपॉर्टेंट हम इश्यूज पे आते हैं. पहली चीज जिसकी हम बात करते हैं इज द चेंजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट, राइट. रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ द मेंबर्स हु आर बीइंग इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर्स, राइट. अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट की वो किस तरह से गॉज की जा सकती है, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखें एमपीज का उससे आपको पता लग जाता है, ठीक है. एट द वेरी आउटसेट पहले ही अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने रिजर्वेशन कर दी थी ऑफ नियरली अ क्वार्टर ऑफ सीट्स. किसके लिए, उन लोगों के लिए हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन प्रोपोर्शन टू ऑब्वियसली देयर पॉपुलेशन इन एवरी स्टेट. अब ढेर सारे पैरामीटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, जेंडर है, सोशल है, एज है, एटसेट्रा, राइट. और योगेंद्र यादव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पास की है, उन्होंने बोला है कि देयर हैज बीन अ वाइडनिंग ऑफ पूल, ठीक है, ऑफ फ्रॉम विच पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आर बींग रिक्रूटेड. तो आपकी जो पोलिटिकल चॉइस है वो एक्सपैंड हो गई है और इसी के कारण बिकॉज नाउ पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड आर कमिंग एंड सिटिंग इन द लेजिस्लेचर्स. तो एक जो मिसमैच होता था बिटवीन द सोशल प्रोफाइल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एंड दोज हु आर रिप्रेजेंटेड वो कम होता जा रहा है, राइट. क्योंकि आपकी ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और आपकी फर्स्ट लोकसभा के अंदर मोस्टली देखा गया था अपर कास्ट, वेस्टर्न एजुकेटेड, लॉयर्स डोमिनेटेड जो थी वो होती थी. बट नाउ रिप्रेजेंटेशन हैज इंक्रीज बाय एंड लार्ज विद इंक्रीज इन द काइंड ऑफ पीपल जो कि इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल जो कि वहां पे बैठ रहे हैं. जो प्रपोर्शन है वुमेन की इन द पार्लियामेंट वो भी स्टेडिली ऊपर आ गई है फ्रॉम 5% इन द फर्स्ट लोकसभा टू 11% इन द 16th लोकसभा. ऑब्वियसली आपको जैसे पता ही होगा ढेर सारे अटेम्प्ट हुए हैं वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल जो 2008 बिल था जो कि लैप्स हो गया था, राइट, जिसके अंदर जो ये बात की गई थी कि 33% सीट्स हम रिजर्व करते हैं वुमेन के लिए इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉर द नेक्स्ट
नेक्स्ट 15 ईयर्स, और ये रोटेट करती रहेंगी एवरी 5 ईयर्स. अगेन इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट चली थी कि किस तरह की विमेन आएंगी, क्या इसके अंदर भी सब रिजर्वेशन होनी चाहिए फॉर से विमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, राइट. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिबेट्स एंड डिस्कशंस दिस रियली कुडंट टेक ऑफ. नेक्स्ट अगर बात करें सोशली जो प्रोफाइल है वो एक सब्सटैंटिव ट्रांसफॉर्मेशन उसमें देखा जा रहा है. योगेंद्र यादव ने बात की ऑफ डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, ये बोलते दो डेमोक्रेटिक अपसर्ज आए थे, राइट. एक तो आपका डेमोक्रेटिक अपसर्ज ऑब्वियसली 69 के अराउंड आता है, 67-69 के अराउंड आता है, लेट 60s में, राइट. जब ऑब्वियसली आपकी जो कांग्रेस है दैट इज बीन डिक्लाइनिंग एंड रीजनली जो है आपका रिप्रेजेंटेशन और बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ रही है. और आपकी जो सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज आती है दैट इज इन द हाइंडसाइट, लाइक दैट इज इन द आफ्टरमैथ ऑफ योर मंडल पॉलिटिक्स, राइट, एंड द राइज ऑफ योर बैकवर्ड क्लासेस, राइट. इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन दिस सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, ठीक है. अब क्या हो रहा है, ग्रेजुअली जैसे जैसे जो लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के जो कि मेनली बिलोंग करते थे टू द अपर सोशल स्ट्रेटा एंड एक इकोनॉमिक अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते थे, अब जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की और ज्यादा एक्सपैंड होगी है, विच हैज लेड टू अ डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है. क्योंकि अब पीपल कैन सी कि हमारे जैसे लोग भी वहां पे पार्लियामेंट में बैठते हैं, राइट. साथ ही में जो डिफ्यूजन हुई है ऑफ सोशल कॉन्फिगरेशन कि अब लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एक्सेट्रा से भी उठ के अब लोग कैन रिप्रेजेंट देयर पीपल, राइट. इसके अंदर इसका मतलब ये नहीं इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि जो मेंबर्स है जो आ रहे हैं चाहे वो अगर बैकवर्ड क्लासेस भी हो, राइट, तो वो एकदम ही इकट्ठे मैच हो सकता है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इशू किस चीज का रेज हुआ है, यहाँ पे भी इशू रेज हो रहा है कि इन क्लासेस में से भी एक सोशल एलीट की जो कैटेगरी है वो उठ गई है. सो एक जो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी थी वो कहीं पे आके रुक गई है, राइट. तो पूरे अच्छी तरह से ग्रास रूट पे नहीं पहुंचा है बट ये हर्डल हो गया है क्योंकि कुछ एलीट्स ने मोनोपोलाइज कर लिया है देयर शेयर ऑफ मेंबरशिप, जिसके कारण जो डेप्रिवेशन की फीलिंग है अमंग्स द मासेस वो अभी तक गई नहीं है, राइट. अगेन नेक्स्ट इशू की तरफ बढ़ते हुए जो आपका इशू आता है दैट इज विद रिगार्ड टू सिटिंग्स एंड डिसरप्शंस जो कि पार्लियामेंट में देखी जा रही है. रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि काफी पार्लियामेंट के अंदर ट्रांजैक्ट करने में बिजनेस जो है काफी उनको इश्यूज आ रहे हैं. जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिटिंग है वो तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो ही गई है, बट एट द सेम टाइम जो डिसरप्शंस थी और ऑब्स्ट्रक्शंस थी इन द कंडक्ट ऑफ दी सिटिंग्स उसके अंदर भी काफी प्रॉब्लम आई है, राइट. अगेन अगर बात की जाए सो रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये बात करते हैं वो, राइट, जहाँ पे पार्लियामेंट की बात हो रही है बाय MR माधवन, ठीक है. तो वो बोलते हैं कि मल्टीपल इश्यूज हैं जिनके कारण हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्यों रिड्यूस हुई है. पहली चीज वो बोलते हैं कि कोई प्रीसेट एनुअल कैलेंडर नहीं है फॉर पार्लियामेंट टू फॉलो, ठीक है. 3 सेशन होने हैं बस ये बताया गया. बजट सेशन होगा मिड फेब टू मिड मे में, मानसून का सेशन होगा आपके जुलाई अगस्त के टाइम पे, और विंटर सेशन होगा लेट नवंबर टू क्रिसमस. लेकिन जो डेट्स हैं प्रीसेट कोई डेट्स नहीं है कि पहले ही इलेक्शन के बाद हम कैलेंडर निकाल दें कि इस डेट से इस डेट ये आपका होगा, इस डेट से इस डेट ये आपका सेशन होगा, इस डेट से इस डेट आपका तीसरा सेशन होगा. तो ऐसा कोई जो फिक्स शेड्यूल है वो नहीं आ पाता जिसके कारण आर्बिट्रीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. और ये क्यों बढ़ती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है किसकी एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट समन करता है पार्लियामेंट को विद अ 3 वीक नोटिस. सिर्फ जो एक लौता कंस्ट्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया है वो ये किया है कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ऊपर का गैप जो है नहीं हो सकता. 2009 में इनफैक्ट राज्यसभा में डिस्कस हुआ था एक प्राइवेट मेंबर्स बिल जहां पे उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं और ये प्रोवाइड कर देते हैं कि एटलीस्ट 100 डेज अ ईयर बैठने की जरूरत है आपके पार्लियामेंट के हाउसेस को, राइट. हाउएवर द बिल वाजंट रियली एक्सेप्टेड, उन्होंने बोला था इन स्पिरिट वी अग्री बट देयर इजंट रियली अ नेसेसिटी फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा था, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके गवर्नमेंट गिर जाएगी अगर लेजिस्लेचर ने सपोर्ट दे दिया से नहीं आती. किससे आती है, रूटीन अकाउंटेबिलिटी से भी आती है वाया पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड क्वेश्चनर्स. और ये सिर्फ तब हो पाते हैं जब सेशंस हो रहा हो, राइट. तो एक जो सजेशन आया है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये बोला है कि पार्लियामेंट को आप एक रिटन नोटिस पे अगर कुछ सर्टन मेंबर्स ऑफ जो पार्लियामेंट है वो एक रिटन नोटिस आपको दे देते हैं कि पार्लियामेंट का आप सेशन कॉल करो तो वो कर देना चाहिए. फॉर एग्जांपल एनसीएम के लिए हम बोलते हैं मिनिमम मेंबर्स जिनको नोटिस देना होता है वो होते हैं 50.
तो बोलते ऐसे सही एक नंबर रख लो कि अगर इतने लोगों ने दे दिया आपका एक रिटर्न नोटिस तो उस टाइम पे आपकी पार्लियामेंट जो है समन कर ली जाएगी। अनदर सजेशन जो उठ के आया है कि जैसे ही लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं आप अनाउंस कर दीजिए कैलेंडर, ठीक है। और बहुत सारी जो लेजिस्लेचर्स है जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट हो या यूएस कांग्रेस हो ये करती है। इससे क्या होगा, इससे ये कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है पहले ही अपना शेड्यूल ढंग से प्रिपेयर कर पाएंगे, दे नो कब कब सेशन है, सो दे कांट से कि अच्छा नहीं मुझे ये इंपॉर्टेंट काम आ गया था इसीलिए आई कुडंट रियली अटेंड द सेशन और सो ऑन सो फोर्थ, राइट। दे विल ऑब्वियसली बी विल हैव टू प्लान देयर शेड्यूल उस हिसाब से बिकॉज उनको एडवांस में ही पता है कि कब है सेशन। साथ ही साथ में गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा कि वो पार्लियामेंट के सेशन तब ना बुलाए जब उनके ऊपर किसी तरह के एक्यूजेशंस उठ रहे हैं सो ऑन सो फोर्थ, राइट। एक सेकेंड मेजर इशू जो आता है अगेन विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट इज योर डिसरप्शंस, कॉन्स्टेंट डिसरप्शंस, वॉकआउट्स, राइट। ये सब जो होता है वेल में आके आपके हाउस के वेल में आके चिल्लाना, चीजें फेंकना, ठीक है। और ये बिलीव किया जाता था और कि जो पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन है ये एक ऐसा वेपन है जो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में यूज होना चाहिए। पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट एज पार्लियामेंट्री डिबेट है और इन दोनों को कोएग्जिस्ट होना जरूरी है, राइट। अब गवर्नमेंट को अगर अकाउंटेबल रखना है बहुत सारे ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन आर तो होता ही होता है, राइट, कि क्वेश्चन आर के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली क्वेश्चन आर के टाइम पे यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू योर आपके जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है। और ये जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है आपने उनको जब क्वेश्चंस पूछने हैं आप ओरली भी पूछ सकते हो, रिटन भी पूछ सकते हो, ठीक है, जिनका उन्होंने जवाब देना होता है। बट अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन आर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन आर देयर आर वेरियस अदर रूल्स एज वेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका रूल 193 है जिसमें एक जनरल डिस्कशन हो सकती है एंड ये जो है काफी एक सेफ मेथड माना जाता है क्योंकि इस पे कोई वोट नहीं होता। रूल 184 जो है एक फॉर्मल मोशन प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर वोट होता है एंड देन ऑब्वियसली इज योर अडजर्नमेंट मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन विच आर ऑब्वियसली जो अडजर्नमेंट मोशन है अगर पास हो जाए इट इज अ सिवियर सेंसरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इवन द गवर्नमेंट गिरती नहीं है बट सिवियर सेंसर होता है उसका। एंड लास्टली आपका जो NCM है जो कि ऑब्वियसली सिर्फ आपकी लोकसभा में हो सकता है, राइट, जिसके जो अगर पास हो जाए तो ऑब्वियसली योर गवर्नमेंट is as good as lost its support in the legislature, right? सिर्फ जब opposition जब ये सारे methods try करने की कोशिश करती है but उससे नहीं हो रहा, it is only then that ये जो disruption है उसको आप accept करिए या उसको आप follow कीजिए, right? Even with regard to question hour, मेजर कंस्ट्रेंट्स है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि ओरली पूछे जाते हैं अलॉन्ग विद द सप्लीमेंट्री वंस क्योंकि आपके पास एडिक्वेट टाइम नहीं होता, ठीक है, कि बहुत ही कम क्वेश्चंस जो है आप ओरली पूछ पाते हैं, ठीक है, हार्डली एक घंटे में 5-6 क्वेश्चन होते तो इतने क्वेश्चंस हो नहीं पाते। और रिटन क्वेश्चन में भी हम बोलते हैं कि काफी जो है क्वेश्चंस वो फैक्चुअल मैटर्स के रिगार्डिंग आती है जो कि आराम से RTI के अंदर भी आप निकाल सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन। सो पॉलिसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछो ना वो हो ही नहीं पाता। और उसका ना होने का एक और मेजर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट क्या है कि एक मिनिस्टर जो कि एक मिनिस्ट्री हेड करता है दैट पर्सन हैज टू आंसर, तो ब्रॉड पॉलिसी क्वेश्चन जो है वो आप नहीं पूछ पाते। ब्रिटिश पार्लियामेंट में से एक बहुत अच्छा वो है कि क्या होता है एक प्राइम मिनिस्टर का एक स्पेशल क्वेश्चन आ रहा होता है जहां पे ऐसे क्वेश्चन जो है टेबल किए जाते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में आप ये जो ब्रॉड पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपके जो इंपॉर्टेंट इशू आता है इज इशूज रिगार्डिंग लेजिस्लेशन विच इज ऑब्वियसली वन ऑफ द चीफ टास्क जो कि होता है आपका पार्लियामेंट के पास अवेलेबल, ठीक है। अब लेजिस्लेशन सबसे क्रूशल टास्क है और सबसे एक इम्पॉर्टेंट वे ये जाने का कि जो लेजिस्लेशन का टास्क है वो अच्छे से निभाया जा रहा है या नहीं इस किससे कि आप क्वालिटी ऑफ बिल्स देखिए और कितना टाइम स्पेंट डिस्कसिंग दम। एंड MR माधवन इन इस चैप्टर वो बोलते हैं कि देखिए ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में है, ठीक है, कि वो बोलते हैं कि 15th लोकसभा जो थी उसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। 14th और 15th लोकसभा में अगर आप देखें तो ओनली 20% ऑफ देयर टोटल टाइम वाज स्पेंट डिस्कसिंग बिल्स। एक सेकंड मेजर जो होता है वो बोलते हैं कि आप देखिए कितनी अमेंडमेंट्स आ गई विद इन 3 to 5 years ऑफ एन इनएक्टमेंट, ठीक है। इवेंचुअली तो अमेंडमेंट्स आती ही हैं बट वो बोलते हैं कि अगर 3 to 5 years में आ जाना मतलब एडिक्वेट डिस्कशन नहीं हुई थी एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपने नोटिस नहीं की, राइट, जो कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट डिस्कशन जो है जो नोटिस नहीं हो पाई थी जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम है वो हो रही।
तो अब वो सजेस्ट करते हैं कि देयर आर सर्टेन मेथड्स इन विच दिस प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन कैन बी इम्प्रूव्ड. ठीक है, अब ये क्या है मेथड्स जिनके थ्रू आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो. पहला है कि आप प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो बिल्स उसको आप स्ट्रेंथन कर दीजिए. सेकेंड है जो स्टैंडिंग कमिटी के प्रोसेसेस हैं उनको मैंडेटरी कर दीजिए. अभी ज़रूरी नहीं है ना, जिस तरह से हमने बात किया था कि आप स्टैंडिंग कमिटी को रेफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो, बोलते ये आप मैंडेटरी कर दो ताकि फास्ट ट्रैक हो सके जो अर्जेंट बिल्स हैं. सेकेंडली आप रिसोर्स एंड सपोर्ट स्टाफ जो है फॉर MPs एंड MLAs इसको आप बढ़ाओ. इंडिया में क्या है, 30,000 रुपये देते हो आप रिसोर्स स्टाफ को हायर करने के लिए, इसमें एक रिसर्चर भी अच्छा नहीं आता, राइट. वहीं आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 40 से 50 लोगों का स्टाफ होता है. US के अंदर एक अच्छा एक अमाउंट मिलता है ताकि आप अच्छे एक स्टाफ को जो है सॉरी ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपके अराउंड 4 to 5 का स्टाफ होता है. आपके इसके अंदर जो है US में तो बहुत अच्छा आपको मिलता है अमाउंट ताकि आप एक गुड स्टाफ हायर कर सके कंसिस्टिंग ऑफ कंसल्टेंट्स रिसर्चर्स सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया. एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग भी जो है काफ़ी मुद्दे हैं. अगेन एंटी डिफेक्शन लॉ पर भी जो आपको वीडियो है ये मिल जाएगी आपके TTL में, राइट. इसके ऊपर जो भी जो है एक बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है जहाँ पे हम वी डिस्कस द लॉ, वी डिस्कस इसकी लिमिटेशंस, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसके अकॉर्डिंगली. बहुत ही एक काफ़ी वेल राउंडेड वीडियो है, वो भी आपकी TTL के सीरीज में, जिसका हम लगा देंगे नीचे लिंक, राइट. ग्रेटर इंटरेस्ट और अकाउंटेबिलिटी हो सकती है रिकॉर्डेड वोटिंग में. क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है वॉइस वोट्स हो जाते हैं, वॉइस वोट्स के अकॉर्डिंगली जो है आप वोट्स मेजर कर लेते हो. नहीं, अब हर किसी के वहां पे अगर आपने टेबल पे बटन लगाए हुए तो मेक एडिक्वेट यूज ऑफ दैट. क्योंकि अगर वोटिंग जो है रिकॉर्ड होगी तो पीपल के गेट इन्फॉर्मेशन कि किसी मेंबर ने किस हिसाब से वोट किया था, राइट. एंड दैट पर्सन कैन देन बी हेल्ड अकाउंटेबल. नेक्स्ट एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इज विद रिगार्ड टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों है, क्योंकि आपका पार्लियामेंट इतना ओवरबर्डन है, उसके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है. ये सब के कारण जो क्या है, एक पोर्शन ऑफ जो लॉ मेकिंग होता है वो एक सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को दे दिया जाता है. जो फिलर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो इस सबॉर्डिनेट अथॉरिटी द्वारा जो है बनाए जाते हैं, राइट. एंड इट इज विद इन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कि उसके जो के वो जो कुछ जो सबॉर्डिनेट कुछ जो पावर्स है वो अपनी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को दे दे कि आप ये जो फिलर्स हैं ये आप डाल दीजिए. अब रीजंस क्या हुए हैं फॉर द राइज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. पहली चीज तो लॉ मेकिंग जो है एक बहुत ही वाइडनिंग स्फेयर हो गया है वेलफेयर और सर्विस स्टेट में, ठीक है. और ये सारे काम सिर्फ आपका पार्लियामेंट कर ले वो पॉसिबल नहीं है, आपका स्टेट लेजिस्लेचर कर ले वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. और जो जिस तरह का काम है, जिस तरह का क्वालिटी ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है, पार्लियामेंट जो है क्वालिटी लेजिस्लेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता. उसके पास बाकी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स भी है और उनके पास टाइम ही नहीं होता टू डिस्कस दीज मैटर्स इन ग्रेट डिटेल, राइट. सेकेंडली फिलिंग इन जो डिटेल्स ऑफ द लेजिस्लेशन है, अब जो एग्जीक्यूटिव है इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स या अपने ही एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि वो लोकल कंडीशंस को बेहतर जानते हैं, वो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं लेजिस्लेशन को, राइट. साथ ही साथ में कुछ जो लेजिस्लेशन है बहुत टेक्निकल भी होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ मॉडर्न गवर्नमेंट. साथ ही में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है, राइट. क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट का एक लैक होता है. प्रैक्टिकली तो किसी चीज को देख के अप्लाई करके फिर लॉ नहीं बना सकते हो, ठीक है. तो अब क्या है, इसके कारण ही जो एडजस्टमेंट्स एक्सेट्रा करनी होती हैं वो अब जो एग्जीक्यूटिव है वो खुद ही कर सकता है. एमरजेंसी सिचुएशन कोई आ गई, कोई क्वेश्चन अगेंस्ट क्राइसिस एक्सेट्रा के लिए भी लिटिगेटेड लेजिस्लेशन जरूरी होती है. अब गवर्नमेंट एक्शन जब करना होता है उसके अंदर कुछ डिस्क्रेशन की भी जरूरत होती है, राइट. और जब ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं सो आपके दोनों ही परमानेंट एज वेल एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इतना डिस्क्रेशन चाहिए होता है. साथ ही में इसके थ्रू जो है आपकी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. क्योंकि ये जो लोग हैं दे आर ऑब्वियसली मोर क्लोजर टू योर पॉपुलेशन जिनके ऊपर जो है ये अप्लाई हो रहे हैं लॉज, राइट. अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे जो है कंट्रोल रखा जा सकता है. पहला है प्रोसीजरल कंट्रोल, राइट, कि बेसिकली पब्लिश होने हैं जितने भी रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा बनने हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी है इसके ऊपर. एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जुडिशियल कंट्रोल भी है इनके ऊपर, राइट, कि वो भी वो देख सकते हैं कि ये जो बनाए हैं कि ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे, राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दा उठ के आता है दैट इज विद रिगार्ड टू योर पार्लियामेंट्री privileges. अब इस पार्लियामेंट्री privileges है आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के, they have been mentioned in your article 105 and 194 of the constitution, ठीक है.
अब यहाँ पे क्या होता है विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, राइट, एज यू ऑल नो ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है इनके अंदर कलेक्टिव प्रिविलेजेस भी है, राइट, और कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी हैं, राइट. अब कलेक्टिव प्रिविलेजेस वो होती हैं जो कि हर हाउस के पास पूरी कलेक्टिवली आती है. तो इसके अंदर से राइट टू पब्लिश रिपोर्ट्स, डिबेट्स एक्सेट्रा, ये सब है, ठीक है. स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम प्रोसीडिंग्स एंड सीक्रेट सिटिंग्स होल्ड कर सकता है, राइट. रूल्स बना सकता है टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर या कंडक्ट इट्स बिजनेस, राइट. साथ ही में पनिश कर सकता है मेंबर्स को एज वेल एज आउटसाइडर्स को अगर वो ब्रीच कर ले इसकी प्रिविलेजेस या फिर इसके किसी हाउस का कंटेम्प्ट हो. साथ ही में इसके पास राइट है कि ये रिसीव कर सके इमीडिएट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन या इम्प्रिजनमेंट किसी भी अगर उनके मेंबर के साथ ये होता है, ठीक है. ये इंस्टीट्यूट कर सकते हैं इंक्वायरीज, ऑर्डर कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एक्सेट्रा, राइट. कोर्ट्स जो है इंक्वायर नहीं कर सकते इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और इट्स कमिटीज. साथ ही साथ में कोई भी पर्सन जो है ईदर मेंबर और आउटसाइडर, ठीक है, वो अरेस्ट नहीं हो सकता और लीगल प्रोसेस उसके लीगल प्रोसेस जो है उसको सर्व नहीं किया जा सकता किसके अंदर, विद इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द हाउस, राइट. साथ ही में कुछ आपकी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी हैं, राइट. फॉर एग्जांपल जो मेंबर है उसको अरेस्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड 40 डेज बिफोर बिगनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द सेशन, राइट. और ये जो प्रिविलेजेस है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये प्रिविलेज सिर्फ सिविल केसेस में अवेलेबल है, क्रिमिनल या प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं है. अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अवेलेबल है. साथ ही में दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, ठीक है. अभी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं ये ऑब्वियसली किनको मिलती है, सिर्फ मेंबर्स ऑफ द हाउस, राइट, उनके हाउस के मेंबर्स और कमिटी के मेंबर्स को मिलती है. ये जो आपके प्रेसिडेंट है, इवन द प्रेसिडेंट इज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, उनके पास नहीं है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर मेनली इंटेंडेड फॉर व्हाट, प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल फ्रीडम ऑफ द हाउसेस, और इनके जो मेंबर्स हैं, राइट, दे आर प्रोवाइडेड विद दीज एज वेल. अगेन मूविंग ऑन, जो कोर्ट ऑफ लॉ है उन्होंने रिकग्नाइज किया है कि कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अकेली अथॉरिटी है टू डिसाइड अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है या नहीं हुई है. हाउएवर जो कोर्ट है वो ये जरूर चेक कर सकते हैं कि वेदर अ प्रिविलेज एग्जिस्ट एंड उसकी एक्सटेंट कितनी है. ये दोनों ही चीजें जो है कोर्ट हैज अ कोर्ट कैन एक्चुअली कीप अ चेक ऑन द सेम, राइट. इनकी जो फोर्थ रिपोर्ट आई थी जो कि प्रेजेंट हुई थी 1994 में, विच वॉज द प्रिविलेजेस कमिटी ऑफ द 10th लोकसभा, राइट. अगर कोडिफिकेशन की बात हो ऑफ द प्रिविलेज, वो आज तक कोड की ही नहीं गई है, राइट. ओरिजिनली उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर दो ही प्रिविलेजेस लिखी गई थी, दैट वॉज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट टू पब्लिकेशन. बाकी प्रिविलेजेस के रिगार्डिंग उन्होंने प्रोवाइड किया था कि जैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उसी की तरह यहाँ पे भी जो है वो बनती जाएंगी, राइट. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्रिविलेजेस की पोजीशन है वो अभी तक वैसी ही रही है क्योंकि कोई कोडिफाई नहीं किया गया है, राइट. अब सोर्सेज क्या है आपके, अगर माना जाए प्रिविलेजेस के, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, बाकी जो लॉज बनते हैं, रूल्स है दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है जहां पे दीज हैव बीन कोडिफाइड. अब बिकॉज द लॉ ऑफ प्रिविलेजेस हैजंट रियली बीन कोडिफाइड, वो काफी वेग, एम्बिगुअस एंड इनस्क्रूटेबल रह गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रेस की फ्रीडम पे भी एक कर्टेलिंग होता है एंड साथ ही में सिटीजंस पे भी, बिकॉज यू डोंट रियली नो कि स्पेसिफिकली प्रिविलेजेस है क्या. इसके कारण जो है ज्यूरिसडिक्शनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है बिटवीन द लेजिस्लेचर एज वेल एज द जुडिशरी एंड कॉन्फ्रंटेशन होने लगी है किसके बीच में, जो राइट्स हैं आपके सिटीजंस के एंड प्रेस के, बिजवी जो लॉ है और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. और ये रिजॉल्व हो सकता है अगर ये जो प्रिविलेजेस हैं उनको कोडिफाई कर दिया जाए, राइट. अगेन ये माना जाता है कि जो कॉन्सेप्ट है ऑफ प्रिविलेजेस एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वेर इन एवरी वन इज इक्वल थोड़ा एनाक्रोनिस्टिक साउंड करता है, इट डजंट रियली फिट वेल, ठीक है. क्योंकि अगर हर किसी के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए तो वाई इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग दीज प्रिविलेजेस, राइट. हाउएवर अगेन ये मानना चाहिए कि जो प्रिविलेजेस है दे आर कि ये जो हाउस है वो ढंग से फंक्शन कर पाए. साथ ही साथ में प्रिविलेजेस जो है बहुत जरूरी है कि लेजिस्लेचर्स ढंग से काम कर पाए एंड ऑब्वियसली ये भी जरूरी है कि इनको आप क्लियर और प्रिसाइज टर्म्स में इनको कोडिफाई करें ताकि इनका जो मिसयूज और अब्यूज है वो ना हो पाए, राइट. वी लुक एट सर्टन क्वेश्चंस नाउ विद रिगार्डिंग टू द सेम, राइट. पहला आपका क्वेश्चन है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर इन अ वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अरिथमेटिकली ड्रिवन
एग्जामिन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. अब इसको आंसर को अप्रोच कैसे करेंगे हम, राइट? पहला है अकाउंटेबिलिटी होती क्या है. अकाउंटेबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जो वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जनरली डिस्क्राइब किया जाता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है इज ऑब्वियसली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. जो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ पीपल विच इज योर लोकसभा. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने प्रोविजन बनाई और उन्होंने एम्पावर कर दिया है लेजिस्लेचर को कि वो होल्ड कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल फॉर ऑल इट्स एक्ट्स, राइट? जो भी एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन, या फिर मॉनिटर कर सकते हैं द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ताकि वो इंश्योर कर सके कि ये जितना भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इफेक्टिवली कर रहे हैं. एंड जिस तरह से लेजिस्लेटिव इंटेंट आया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है लोगों के डिसीजन को, उसको ये फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, अब कौन कौन से तरीके जिनके थ्रू अकाउंटेबिलिटी जो है अरिथमेटिकली ड्रिवन होती है. पहले है सबसे इंपॉर्टेंट आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन. बहुत ही पावरफुल वेपन है ये. जब तक गवर्नमेंट के पास सपोर्ट है इन द लोकसभा, तब तक ही गवर्नमेंट रहती है इन पावर. ठीक है, हाउएवर इस मोशन को अगर पास करना है, नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कोई भी गवर्नमेंट जिसके पास एक कंफर्टेबल मेजोरिटी होगी, उसको ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. सेकेंडली, पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेशन भी. जो आपके जनरली बिल्स हैं, वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किए जाते हैं? मिनिस्टर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. बहुत रेयरली होता है कि जो प्राइवेट मेंबर्स के बिल है वो इंट्रोड्यूस हो और वो पास भी हो जाए. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही डिराइव है, और अगर उसके पास मेजोरिटी है तो कोई भी बिल जो ये ऐसे गवर्नमेंट लाएगा वो आसानी से पास हो ही जाएंगे. ऑब्वियसली द ओनली गार्ड सिटिंग हियर इज योर राज्यसभा, अगर आपकी गवर्नमेंट की मेजोरिटी वहां पे राज्यसभा में नहीं है. बट अगेन वी रियलाइज कि किस तरह से बाईपास किया जा सकता है राज्यसभा को भी, विच हैज बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम. साथ ही में जो जॉइंट सिटिंग है, अगर वो भी बुलाई जाए तो यहाँ पे लोकसभा के जो नंबर्स हैं दे आर ह्यूज इन कंपैरिजन टू राज्यसभा. सो यहाँ पे भी राज्यसभा जो है इट इनवेरेबली सफर्स एट द हैंड्स ऑफ लोकसभा. नेक्स्ट इज योर ऑर्डिनेंसेस. जो प्रेसिडेंट है प्रोक्लेम कर सकता है ऑर्डिनेंस को जब कोई भी हाउस जो है ईदर ऑफ द हाउस सेशन में ना हो, राइट? हाउएवर ऑर्डिनेंस जो है लैप्स कर जाते हैं अगर हाउस जो है पास कर दे रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट. बट अगेन इफ द गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी, सच अ थिंग विल नॉट रियली हैपन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एमरजेंसी प्रोविजंस. अगेन जो पावर है टू डिक्लेयर एमरजेंसी, इट इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल. बट अगेन इफ द गवर्नमेंट इज सफिशिएंट नंबर्स, तो क्या है, इट बिकम्स वेरी इजी टू पास दीज एमरजेंसी प्रोविजंस एज वेल, राइट? अगेन एमरजेंसी के ऊपर आपकी वेरियस वीडियोज जो है वो अवेलेबल है, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? ऑपोजिशन जो है, जो इनकी इफेक्टिवनेस है, ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर पार्टी कॉम्पोजिशन, राइट? जिन गवर्नमेंट के पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है ऑपोजिशन ज्यादा से ज्यादा उनको सेंचर कर सकती है, उससे ऊपर कुछ नहीं कर पाती. अगेन ज्वाइंट सेशन जो है हम देख चुके हैं किस तरह से लोकसभा विल हैव अ ओवरवेलमिंग से इन देम. अब अकाउंटेबिलिटी किस तरह, डज नॉट मेनली डिपेंड ऑन द नंबर्स, बट देर आर अदर वेज ऑफ इंश्योरिंग द सेम. डिपार्टमेंट रिलेटेड जो आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज है आर अ ह्यूज ह्यूज हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले हियर. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे इशूज हैव बीन टेकन अप बाई सच कमिटीज और उन्होंने स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस किया है बोथ द थिंकिंग एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. साथ ही साथ में जो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स एंड पब्लिक ऑन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये एक बजटरी ओवरसाइट की तरह से प्ले करती है, तो एक फाइनेंशियल ओवरसाइट रहती है इनमें. और ये जो फाइनेंशियल कमिटीज है दे हैव दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियली अकाउंटेबल. क्वेश्चनर अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है जिसके बेसिस पे ऑब्वियसली आपको जो पहला घंटा है ऑफ एवरी सिटिंग, राइट, तब जो मेंबर्स है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मिनिस्टर्स हैव टू आंसर. जीरो आर एक और इनफॉर्मल टूल है जो कि अवेलेबल है, राइट, टू द मेंबर्स टू रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस. प्रिविलेज मोशन है जिसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द ऑपोजिशन अगर किसी मिनिस्टर का ये अगर ये माना जाता है कि किसी मिनिस्टर ने मिसलीड कर दिया है हाउस को बाय प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एंड वो सेंशर कर देंगे उस इंडिविजुअल मिनिस्टर को. सेंशर मोशन है जो कि पूरी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जा सकता है और अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर मिनिस्टर भी, क्यों, अगर वो एक्ट नहीं करते, राइट, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसको डिसअप्रूव करना चाहते हैं वो. ठीक है, अगेन इट कैन ओनली बी मूव्ड इन लोकसभा एंड ओनली by the opposition, right? Thus, इसके थ्रू हम देखते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की थ्रू पार्लियामेंट, वो उसका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक मेन एसेंस है एंड वेरियस वेज है जिसके थ्रू ये जो है इंश्योर की जा सकती है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द सेम इन माइंड.
चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इज विद रिगार्डिंग टू योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। अगेन इसके ऊपर आपको बताया है 53 एंड 54 TTL वीडियोस जो हैं ये अवेलेबल हैं, राइट। अब जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया है ये ऑब्वियसली हैज बीन एग्जिस्टिंग सिंस एंशियंट टाइम्स। तो अगर आप अपने महाजनपदास एक्सेट्रा से भी देखेंगे तो ऐसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी एग्जिस्ट करती थी। हाउएवर अगर कंटेम्प्रेरी एक मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो ऑब्वियसली रिगार्ड किया जाता है राइट लॉर्ड रिपन जो है जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, उनका जो रेजोल्यूशन है ऑफ 1882 एक मेजर जो है वॉटरशेड मूवमेंट यहाँ पे इन कलोनियल इंडिया माना जाता है, राइट। रेजोल्यूशन एक 1918 में भी आता है जिसने बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट राइट उसका काम क्या है कि ट्रेन कर सके हम लोगों को इन मैनेजिंग देयर ओन लोकल अफेयर्स। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट आता है 1922 का जिसके कारण रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं कुछ बोर्ड्स और उनको कुछ रिस्पांसिबिलिटीज दी गई सच एज दैट ऑफ रोड मेंटेनेंस, ट्री प्लांटिंग, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ड्रेनेज एटसेट्रा, राइट। इंडियन लीडर्स की अगर बात की जाए महात्मा गांधी वॉज ऑब्वियसली एट द वेरी फोर फ्रंट, ठीक है, जिन्होंने द होल आइडिया ऑफ पंचायती राज सिस्टम जो उनका आइडिया था राइट, जहाँ पे उनका कहना था कि जो पंचायत हैं राइट उनके पास मैक्सिमम जो है एक पावर होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे लोग जो है एक विलेज रिपब्लिक्स का उन्होंने आइडिया दिया था क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेंगे एंड जो सेंटर है वो एक्सट्रीमली उसको बहुत ही लिमिटेड फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए, राइट। हाउएवर ये जो आइडिया था ये सिर्फ आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर ही इंक्लूड किया गया जहाँ पे उन्होंने एडवाइस किया गवर्नमेंट को कि आप ऐसे स्टेप्स ले जिसके थ्रू ऑर्गेनाइज कर सके आप विलेज पंचायत और उनको पावर्स दे सके जिसके थ्रू वो फंक्शन कर पाए एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है अब क्यों इंपॉर्टेंट है, जेम्स वैनर कहते हैं कि ये इंटेग्रेटिव कैपेसिटी बढ़ा देती है गवर्नमेंट की बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब ये कैसे हॉरिजॉन्टली, तो देखिए क्योंकि आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वेरियस चीजों की विद रिगार्डिंग टू वेरियस पॉलिसीज हॉरिजॉन्टली वो बढ़ जाती है। एंड वर्टिकली कैसे, क्योंकि अब ढेर सारी पंचायत है, ठीक है, सारे जो है एक दूसरे के एग्जाम्पल के थ्रू सीख सकते हैं और ये एग्जाम्पल ट्रेवल्स अपवर्ड्स एंड दिस एग्जाम्पल कैन बी रेप्लीकेटेड इन अदर एरियाज एज वेल, ठीक है। सो इस तरह से जो इंटेग्रेटिव कैपेसिटी है बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली टेंड्स टू इंक्रीज, राइट। अगेन इवन दो फॉर्मली पहली बार बात हुई थी 1959 में, ये आप लोगों को याद होगा, राजस्थान में नगौर में ये शुरू किया गया था, राइट, जब आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशंस आई थी 1957 में। हाउएवर इसके ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं हो पाया एंड काफी लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है, दे आर लाइक अ फेल्ड गॉड। हाउएवर बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट के बाद कुछ जगहों पे ऑब्वियसली ट्राई हुआ सेटअप करना एक थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, राइट। फॉर एग्जांपल राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश में ये काम किया गया, राजस्थान नगौर, राइट। नेक्स्ट मूव जो आया जनता पार्टी के जनता गवर्नमेंट के टाइम पे जब अशोक मेहता कमेटी जो है इंस्टीट्यूट की गई। अब ये जो अशोक मेहता कमेटी ने क्या सीखा, उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी से कुछ सीखा। बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या हुआ था, वहां पे एक थ्री टायर सिस्टम शुरू किया गया था जहां पे पंचायत होती थी विलेज लेवल पे, फिर ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ था, विलेज पंचायत के लिए अज्यूम किया गया था कि ये प्रोवाइड करेंगे सब स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत है वो ऑर्गेनिकली लिंक्ड होंगी बॉडीज जो कि प्रोवाइड करेंगी फंक्शनल वायबिलिटी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। हाउएवर एक जो बेसिक इशू रह गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के अंदर कि एक बहुत ही बड़ा मिसमैच था कि जिस तरह से पंचायती राज स्ट्रक्चर जो एनविसेज किया गया था एंड जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो चल रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो इस मिसमैच के कारण जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। अब जब अशोक मेहता कमेटी आई उन्होंने ट्राई किया कि हम बलवंत राय मेहता कमेटी से कुछ कुछ सीख लें, ठीक है। तो इस कमेटी ने अब क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखिए आप रीस्ट्रक्चर कीजिए और दो लेवल पे कीजिए, जिला पंचायत होगी एपेक्स होगी जो पूरी जो मेन बॉडी होगी सिस्टम की और फिर मंडल पंचायत होगी जो एक्ट करेगी एज लोअर लेवल बॉडी जिसके अंदर एक नंबर ऑफ पंचायत होगी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 15,000 to 20,000, राइट। इसके बाद भी अगेन इवन दो इट कुडंट रियली टेक ऑफ, इसके बाद न्यूमरस और कमिटीज आती है, आपकी हनुमंत राव वर्किंग ग्रुप आता है 83 में, जीवे के राव कमिटी आती है 85 में, जिन्होंने अगेन एम्फसाइज किया कि इंटेग्रेट कीजिए पंचायती राज सिस्टम को विद वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, ये पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने भी बोला था।
ठीक है। इसके बाद जो है अगेन एलएम सिंघवी कमिटी आती है ऑफ 86, जिन्होंने सजेस्ट किया कि पीआरआईएस को क्लोजली इन्वॉल्व कीजिए इन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। दोनों ही सिंघवी एंड अशोक मेहता कमिटी ने इनफैक्ट ये भी बोला कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को आप कॉन्स्टिट्यूशनली करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सरकारिया कमीशन जब आती है उन्होंने भी सेंटर स्टेट रिलेशंस को जब वो पढ़ते हैं उन्होंने मेंशन किया कि डिसफंक्शनल पीआरआईएस जो है काफी एक मेजर इशू है। उन्होंने सजेस्ट किया कि लीगल प्रोविजंस बनाए जाए ताकि इनके लिए रेगुलर इलेक्शंस हो और सेशंस जो है जिला परिषद और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो भी हों। जो पी के थंगन कमिटी आती है 88 में उन्होंने भी सजेस्ट किया कि कुछ पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स चाहिए डिस्ट्रिक्ट में फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो कि एडवोकेट करे एंड साथ ही में उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कीजिए आप टू द पीआरआईएस। अब फाइनली 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आते हैं जो कि 1992 में पास हुए एंड 1994 में ये लागू हुए जिन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, राइट। तो इसके कारण क्या हुआ, आपके पार्ट 9 एंड पार्ट 9A ऐड हो गए जिनके अंदर ये वेरियस आर्टिकल्स थे, राइट, 243 टू 243O जो कि आपको बनाते थे पंचायत के लिए एंड पार्ट 9A में आपका 243P टू 243ZG जो कि म्यूनिसिपैलिटीज के साथ कंसर्न है। अगेन इसमें रिजर्वेशन जैसे कि आप सबको पता है प्रोवाइड की गई फॉर विमेन एज वेल एज योर एससीज एंड एसटीज टू। ठीक है, अगेन आर्टिकल 243K जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें क्या हुआ स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए प्रोवाइड किया गया और जो गवर्नर है वो पावर उसके पास पावर है कि वो अपॉइंट करे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को और इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप सबको याद होगा। ठीक है, ECI जो है स्टेट के इलेक्शन मतलब असेंबली इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन कराता है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन के साथ कंसर्न है और ये इलेक्टोरल रोल्स बनाता है और कंडक्ट करता है इलेक्शन टू पंचायत एंड कॉर्पोरेशन, राइट। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम एनविसेज करता है। ठीक है, कि विलेज लेवल पे होगा, इंटरमीडिएट आपकी ब्लॉक या तालुका लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, राइट। स्मॉल स्टेट्स जो है जिनकी पॉपुलेशन बिलो 20 लाख है उनको ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहे तो पंचायत जो इंटरमीडिएट लेवल वाला है वो आप ना बनाएं। ये एक्ट ने एक और जो ग्राम सभा का जो प्राइमरी रोल है उसको भी एक्नॉलेज किया कि किस तरह से ग्राम सभा जो है जेन्युइन एम्पावरमेंट ऑफ रूरल पीपल करती है और अगर हमने पीआरआईएस को सक्सेसफुल करना है तो जरूरी है हम स्ट्रेंथन करें ग्राम सभा को। जो ग्राम सभा है उसके अंदर ऑब्वियसली सारे रेजिडेंट आते हैं ऑफ अ विलेज जो कि 18 साल से ऊपर है और जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स पे है। ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने फंक्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं टू द ग्राम सभा विच इंक्लूड्स डिस्कशन ऑन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज फॉर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। जो ब्लॉक लेवल पीआरआई इंस्टीट्यूशन है उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट में, गुजरात में फॉर एग्जाम्पल तालुका पंचायत है, यूपी में क्षेत्र समिति है, राइट। और इनके अंदर कौन कौन होते हैं, इनके अंदर सरपंच होते हैं ऑफ ऑल द पंचायत, MPs एंड MLAs हैं और MLCs हैं फ्रॉम द एरिया, इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऑफ द जिला परिषद और साथ ही में जो चेयरमैन है ऑफ टाउन एरिया कमिटी जो कि उस एरिया की होती है। जो जिला परिषद है वो एपेक्स सबसे ऊपर की बॉडी है इन दिस पिरामिडल स्ट्रक्चर और ये क्या करती है, ये कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज ऑफ द पंचायत समितिज। इसके अंदर कौन कौन है, इसके अंदर प्रधान है ऑफ पंचायत समितिज, MPs एंड MLAs है उस डिस्ट्रिक्ट से, एक रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि डिस्ट्रिक्ट में है, चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इस जिला परिषद का काम क्या है, ये अप्रूव करती है बजट पंचायत समितिज के, साथ ही में मेंटेन करती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इरीगेशन स्कीम्स, प्रोग्राम्स अंडरटेक करती है फॉर वीकर सेक्शन एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। 74th अमेंडमेंट एक्ट अब आपका क्या है, 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, किसके लिए, अर्बन एरियाज के लिए, जो बहुत मेजर सिटीज है दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, पटना, सो ऑन सो फोर्थ, राइट, इनके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो मिडिल रैंक सिटीज है उनके लिए म्यूनिसिपल काउंसिल्स है और जो बहुत स्मॉल टाउन है इनके लिए नगर पंचायत है, राइट। ऑब्वियसली इसके अलावा बहुत सारी कंटोनमेंट बोर्ड, सो ऑन सो फोर्थ, ये सब भी होती है जो आप लक्ष्मीकांत में देख सकते हैं। हर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके अंदर एक जनरल काउंसिल होती है और इनके जो मेंबर्स है वो ऑल सिटीजंस इलेक्ट करते हैं ऑफ द सिटी और ये जो मेंबर्स है इनको काउंसिलर्स हम बोलते हैं। इनके अलावा जो है कुछ एल्डरमैन जो इलेक्ट होते हैं बाय इलेक्टेड काउंसिलर्स वो भी होते हैं, MPs और MLAs जो है
वो उनको भी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है. जो मेयर है कई जगह पे जो मेंबर्स है अमंग्स देमसेल्स इलेक्ट करते हैं, एंड सम ऑफ द स्टेट्स प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेयर एज वेल. जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेनली वो इंप्लीमेंटिंग मेन एजेंसी है, राइट. और जो कंपल्सरी फंक्शन है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, दे इंक्लूड हॉस्पिटल्स को मेंटेन करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई, पोर्टेबल वाटर की, रनिंग स्कूल्स, एक अकाउंट रखना ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, डेवलपमेंटल फंक्शंस भी हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा से रिलेटेड, राइट. अब अगर ये इनकी इंप्लीमेंटेशन इतनी अच्छी होगी है, क्या मेन लिमिटेशंस है विद रिगार्डिंग टू दीज टू अमेंडमेंट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स? ठीक है, पहली है, इवन दो रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें रिमेन करती हैं. पहली है इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, मेजर वेगनेस है, मेजर एम्बिग्विटी है यहाँ पे, सीरियस लिमिटेशंस है ऑन बोथ पंचायत एज वेल एज योर म्यूनिसिपैलिटीज. प्रॉपरली डिफाइंड उनको कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं दी गई है, एंड बहुत ही डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है ऑन स्टेट लेजिस्लेचर्स कि वो क्या असाइन करते हैं इनको फंक्शंस. अनदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई मेंशन ही नहीं है ऑफ एम्प्लॉइज फॉर पंचायत और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. सो फंक्शनरीज का यहाँ पे भी एक बहुत ज्यादा लकूना जो है देखा जाता है, ठीक है. एंड ये माना जाता है कि पास में भी PRIs फेल इसलिए हुई क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं थे, फंक्शनरीज ही नहीं थे जो काम कर पाए. फिर कॉर्डियल रिलेशंस नहीं होते डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेसी एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में, क्योंकि अगेन दे रियलाइज दैट दे आर ऑल इंटरफेयरिंग इन ईच अदर्स वर्क्स. यहाँ पे अगेन ये जो फंक्शनरीज में ही प्रॉब्लम आ जाती है. एक और जो इशू है वो है लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का भी. इवन दो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी प्रोवाइड किए गया है, उसका प्रोविजन है हर स्टेट में जो कि रिव्यू करता है फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ PRIs इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत, ठीक है. ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है, और जो मेन जो इशू क्या रहता है कि ये सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, एंड अगेन जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पे उनपे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं PRIs. इकोनॉमिक सर्वे जो आपका 17-18 का है उसने भी बात की थी लो इक्विलिब्रियम ट्रैप की, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो लोकल बॉडीज है वो दे सीम टू बी नॉट कलेक्टिंग रेवेन्यूज फ्रॉम टैक्सेस टू द एक्सटेंड दे कैन. क्यों? क्योंकि मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिवॉल्व ही नहीं किए टैक्सेशन पावर्स इनको. साथ ही में अगर स्टेट्स ने दी भी हैं तो ये जो कलेक्शन है बहुत लो है क्योंकि जो क्योंकि उनकी रिलक्टेंस है कि हम टैक्स करें लोकल्स को, इसलिए वो डिपेंडेंट रहते हैं ऑन फंड डेवल्यूशन, राइट. साथ ही में दे आर ऑल्सो अनविलिंग टू रिवाइज टैक्स रेट्स पीरियोडिकली. अब नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन भी एक मेजर इशू है. क्यों? क्योंकि नॉन बाइंडिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट पे और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, एंड इनफैक्ट लेस देन 20% ऑफ द रिकमेंडेशन जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं. साथ ही में ऑल्टरनेटिव पैरेलल बॉडीज बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगी है. फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज जो हैं उनके पास बहुत सारे फंड्स हैं जो कि दिए जाते हैं उनको और ये बाईपास कर देती है पंचायत्स को. साथ ही में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटीज जो है जो कि चेयर की जाती है बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और इनके अंदर सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं जो ओवरसी करते हैं डेवलपमेंट को, और जो पंचायत एंड लोकल बॉडीज है उनके पास कोई भी सिग्निफिकेंट वॉइस जो है नहीं रहती है, राइट. सो दिस वॉज योर टॉपिक फॉर टुडे, राइट. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चंस. आपके आज के जो क्वेश्चंस है वो अपलोड कर दिए गए हैं. प्लीज गो ऑन द प्लेटफॉर्म एंड गो थ्रू देम, राइट. टेक अ लुक एट देम, अटेम्प्ट योर मेंस क्वेश्चन, बहुत जरूरी है आप ये करते रहें, राइट. एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.